तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स नवंबर 2021। तो दोस्तों जो भी 2021 नवंबर में जो फोन आने वाले हैं और इंडिया में हमारे को जो मिलने वाले फोन, हम उनकी बात करेंगे और जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, कुछ सीरीज है, कुछ हमारे फोन्स है जो कि काफी अच्छे ब्रांड्स है, जिनकी काफी अच्छी, जिनका हम इंतजार करते हैं काफी टाइम से। तो दोस्तों उन्हीं में से कुछ फोन है जो नवंबर 2021 में आने वाले हैं और उनका हम बात करेंगे। तो दोस्तों हमें उनमें से है मोटो जी 5G फोन। तो ये दोस्तों ये इंडिया में आने वाला है और जो जी की सीरीज है लगभग 15,000 रुपए के आसपास इसका रेंज होने वाली है। वो तो इंडिया में आने पे डिपेंड करता है कि वो कितना, लगभग नियर बाई जो जी की सीरीज है वो लगभग 15,000 रुपए के आसपास ही रहती है। उसके बाद है सैमसंग का गैलेक्सी 52 FE। तो दोस्तों ये भी इंडिया में आने वाला है, काफी टाइम से इसका जो है लॉन्चिंग है वो लेट होती जा रही है। मई में आने वाला था लेकिन अभी आते आते भी नवंबर में इसकी उम्मीद है कि ये आने वाला है इंडिया में। उसके बाद है वीवो की टी सीरीज। तो दोस्तों वो भी इंडिया में अभी लॉन्च होने वाली है नवंबर में और उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है, काफी इंप्रूवमेंट है कि वीवो कंटिन्यू स्मार्टफोन लॉन्च करता रहता है लेकिन नवंबर में अपनी नई जो टी सीरीज है उसको लॉन्च करने वाला है। उसके बाद है IQ8 सीरीज है जो इंडिया में आने वाली है। तो ये ग्लोबल में शायद लॉन्च हो चुकी है लेकिन इंडिया में अभी आने वाली है। तो वन प्लस का एक मोस्ट अवेटेड फोन है जो कि ग्लोबल में लॉन्च हो चुका है, चाइना में जो लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया में अभी तक वो नहीं आया है। उसका नाम है 9RT जो कि काफी अच्छा होने वाला है। इसमें कोई भी 9 Pro 9T ये वो नहीं है, इसमें 9RT है ये, जो कि काफी अवेटेड फोन है, काफी पहले आ जाना चाहिए चाइना में जो कि काफी टाइम से लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया में अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। लोग इसका भी काफी इंतजार कर रहे हैं, वन प्लस के फोन का काफी इंतजार रहता है। तो उन्हीं में से एक है 9RT वन प्लस का, जो काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। क्यों आता है आसूस का 8Z जो कि ग्लोबल में लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया में काफी इंतजार है उस फोन का लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द नवंबर में ये आने वाला है स्मार्टफोन इंडिया में लेकिन अभी तक इसकी लॉन्चिंग डेट फाइनल नहीं हुई है लेकिन इंडिया में आने वाला है, ग्लोबल में ये लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों एक इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स 5G फोन निकालने वाली है, ये भी नवंबर में ही आने वाला है। काफी टाइम से ये दोबारा से फोन निकाले जा रही है लेकिन अभी तक 5G फोन नहीं निकाला था लेकिन अभी माइक्रोमैक्स अभी नया 5G मोबाइल नवंबर में ही निकालने वाली है, जो बहुत जल्द इंडियन ब्रांड का एक मोबाइल फोन आने वाला है माइक्रोमैक्स 5G की सीरीज में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडियन ब्रांड का 5G फोन जो आने वाला है लावा 5G मोबाइल, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है नवंबर में, 9 नवंबर को ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और ये एक इंडियन ब्रांड है जो कि काफी टाइम बाद में कमबैक कर रहा है। ये नॉर्मल फोन तो निकाल रहा है लेकिन अभी जो 5G फोन है वो अभी 9 नवंबर को ही आने वाला है। तो इंडिया में काफी अच्छी इसकी सेल होने वाली है, काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये, तो लोग इसका काफी इंतजार कर रहे हैं। बताता है Xiaomi का 11T सीरीज जो कि काफी इंतजार था लेकिन इसमें कुछ अपडेट आने वाले हैं 11T सीरीज में। काफी टाइम से ये पुरानी सीरीज में ही इंप्रूव कर रहे थे लेकिन अभी 9 सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 11T की सीरीज जो है आने वाली है नवंबर में, इसका फर्स्ट फोन हमको मिल जाएगा लेकिन काफी इंतजार था इसका आने के लिए, अभी हमको बहुत जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद है पोको M4 प्रो जो कि काफी इंडिया में आने वाला है, काफी टाइम से इसका वेट हो रहा था। ये भी काफी अच्छा स्मार्टफोन है, पोको का है, जो पोको की सीरीज है, काफी अच्छे स्मार्टफोन है, काफी अच्छी इसमें अपडेट मिलते रहते हैं हमको, तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है, कैमरा फोन अच्छा होता है इसका। तो पोको M4 प्रो इंडिया में आने वाला है बहुत जल्द नवंबर में, ये सभी फोन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों आप नवंबर में फोन बाय करने वाले हैं तो इन सभी फोनों का इंतजार कर सकते हैं, इनके सभी के चेक कर सकते हैं कौन सा फोन कब आने वाला, जो जो आपके बजट में जो भी आपके रेंज में आने वाला है या आपको पसंद हो जो सीरीज या ब्रांड, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फोन बाय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इनमें से आपको कोई फोन पसंद आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।